जय हिंद दोस्तों, तैयार हो जाए एक और शानदार ऑफलाइन वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, एयरपोर्ट के ऊपर एक जबरदस्त वैकेंसी आ गई है दोस्तों। जिनका भी डाउट हो रहा है कि ये फेक वीडियो होगा तो बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिए दोस्तों, क्योंकि ये वैकेंसी एआई एयरपोर्ट लिमिटेड के अंतर्गत आई है। उसका एकदम रियल प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला डाउट आपका मैं ये क्लियर कर देता हूँ। साथ ही साथ वैकेंसी कोई छोटी मोटी नहीं है दोस्तों, 3000 पोस्ट पे ये वैकेंसी रिलीज की गई है। फ्री ऑफलाइन फॉर्म आपको मैं इसका प्रोवाइड कर दूंगा, वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा मैं मेरा नंबर भी आपको देता हूँ, अगर ये फेक निकला तो आप मुझे गालियाँ दे सकते हो। 10th पास से लेकर ग्रेजुएट पास के कैंडिडेट के लिए इसमें ज़बरदस्त वैकेंसियां रहने वाली हैं। ऑल इंडिया बेस्ट पे ये वैकेंसी रहेंगी, यानी आप इंडिया के किसी भी कोने से बिलोंग करते हो आप इस वैकेंसी में अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा आपको मैं इसका फॉर्म किस प्रकार भरना है, क्या क्या वहाँ पर लिखना है, उसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बिना डिप्लोमा, यानी दोस्तों जो कैंडिडेट 10th पास है उनको कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। अगर आप हायर एजुकेशन हो और अनदर पोस्ट के लिए, जैसे अफसर रैंक की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तभी डिप्लोमा चाहिए। बाकी 10th पास 12th पास की जो वैकेंसी है उनमें कोई डिप्लोमा आपको नहीं चाहिए होगा। साथ ही साथ आपको एक और बढ़िया न्यूज यह है कि इसमें दोस्तों एग्जाम आपका नहीं होगा, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सही सुन पा रहे हो, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू रहेगा। आपको मैं इंटरव्यू की डेट और प्लेस भी बता दूंगा कि कब आपको इंटरव्यू में जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, कितनी सैलरी आपको दी जाएगी, सारी बातें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें, वरना एक जानकारी मिस हो जाने पर आपको दोस्तों पूरा फॉर्म बर्बाद हो जाएगा। साथ साथ दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर एयरपोर्ट की जॉब का नाम सुनते ही उनके माइंड में आता है कि क्या इसमें पैसे मांगे जाएंगे। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें पैसे बिल्कुल भी नहीं मांगे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आता है और गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत कोई भी पैसा वाले धोखाधड़ी वाला केस इसमें नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। इसके अंतर्गत आपको कोई भी पैसा नहीं देना। जो बंदा मेहनत करेगा वो सिलेक्शन लेके 100% आने वाला है। तो वीडियो देख लो भाई, वो चांस है आपके पास, मौका बिल्कुल भी ना गवाइए। तो चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। दोस्तों आपको एकदम एआई एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से जो नोटिफिकेशन आया है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। इसके अंतर्गत पूरा आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन कब जारी किया गया था। तो दोस्तों 28/6/2024 को जारी किया गया था। रिक्रूटमेंट वो एक्सरसाइज 8 मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी दोस्तों आपकी जॉब की लोकेशन मुंबई एयरपोर्ट के ऊपर रहने वाले हैं। पदों की बात कर लेता हूं कि पद कौन कौन से इसमें आपके लिए रहने वाले हैं। तो दोस्तों जो पद बताऊंगा वो अभी हायर एजुकेशन वाले हैं, लगभग जैसे 6 पोस्ट तक आपकी जो पद है, जैसे टर्मिनल मैनेजर पैसेंजर, डिप्टी टर्मिनल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, ड्यूटी ऑफिसर, जूनियर ऑफिसर, कस्टमर सर्विस और रैंप मैनेजर, यहाँ तक दोस्तों आपकी पोस्ट हायर एजुकेशन वालों के लिए रहने वाले हैं। इनमें डिप्लोमा भी मांगा जाएगा। बाकी दोस्तों हम चलते हैं नीचे वाली पोस्ट के लिए, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फॉर्म अप्लाई करने का मौका मिलने वाला है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों आपको यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए 263 पद है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के 406 पद हैं। इसके अलावा हैंडीमैन मेल के लिए 2216 पद है, यानी दोस्तों सबसे ज़्यादा पद इसी में रहने वाले हैं, 2216 पद। इसके अलावा यूटिलिटी एजेंट मेल के लिए दोस्तों 22 पोस्ट इसकी रहने वाले हैं। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों हैंडीमैन मेल और यूटिलिटी एजेंट्स के लिए दोस्तों 16 जुलाई 2024 को आपका इंटरव्यू सुबह 9:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक चलने वाला है। इसके लिए आपको जाना कहाँ पे होगा तो वो जगह भी आपको मैं बता देता हूँ। तो जगह आप नोट करके रखिए, पेंसे CSD कॉम्प्लेक्स नियर साहर पुलिस स्टेशन, CSMI एयरपोर्ट टर्मिनल नंबर 2 गेट नंबर 5 साहर अंधेरी ईस्ट मुंबई, इसी एड्रेस पर आपको जाना होगा। जाने वाली डेट ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 16 जुलाई को जाना है हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट का जो फॉर्म अप्लाई करेगा। अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर के लिए तो आपको 14 जुलाई और 15 जुलाई के बीच में वहां उपस्थित होना है, सेम टाइम आपको दिया गया है।
इसके लिए भी दोस्तों अगर आप हायर एजुकेशन पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे तो 12 जुलाई को जाना होगा। बात हो गई अभी आपकी पोस्ट की, आपकी इंटरव्यू के डेट की और आपको जाने वाली जगह की, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत बोला गया कि इंडियन नेशनल्स यानी इंडिया के नेशनल के जो कैंडिडेट हैं मेल फीमेल वो दोनों इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपके दोस्तों एजुकेशन की बात आएगी कि इसमें एजुकेशन आपकी क्या क्या मांगी जाएगी, तो पोस्ट वाइज में एक एक समझा दूंगा और उसी पोस्ट के साथ साथ आपकी सैलरी भी दी गई है तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। हम दोस्तों बात करेंगे जो नीचे वाली पोस्ट है जो 10th 12th लेवल की है उनके ऊपर ज़्यादा बात मैं करने वाला हूँ, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा पोस्ट वाली आई है आपके लिए, ताकि आपका भी ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो दोस्तों चलते हैं इसके अंतर्गत ड्यूटी मैनेजर कार्गो, ये हायर एजुकेशन है इसके लिए इसको स्किप कर रहे हैं। पैरामेडिकल कस्टमर सर्विस वो भी दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए इसको भी दोस्तों स्किप कर दीजिए क्योंकि इसमें भी ज़्यादा मांगा गया है। यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर की पोस्ट, इसमें दोस्तों आपका 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप ड्राइवर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हो इंडिया के अंतर्गत कहीं भी, अगर आप ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका 10वीं पास के साथ साथ आपको भी पता होगा कि आपका लाइसेंस इसमें मांगा जाएगा। तो एजेंट यानी यूटिलिटी कम रैंप ड्राइवर के लिए आपका 10वीं पास के साथ साथ आपका लाइसेंस भी होना जरूरी है। लाइसेंस भी आपके पास HMV होना जरूरी है दोस्तों, यानी आपको गाड़ी चलाना आना चाहिए, इनका कहने का मतलब यह है, और हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। आपको सैलरी पर मंथ 24,960 रुपये दी जाएगी। इसमें आपकी एज लिमिट भी बताई गई है दोस्तों, आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप OBC कैंडिडेट हो तो इसमें 3 साल और जोड़ लीजिए, और अगर आप SC ST कैंडिडेट हो तो इसमें आप 5 साल और जोड़ सकते हो। इसके अंतर्गत आपको नेचर ऑफ ड्यूटी भी समझाई गई कि आपको काम करना क्या होगा। इसमें आपको शिफ्ट में काम करना होगा एजेंट के रूप में। सबसे ज़्यादा जिसकी पोस्ट है 2216 हैंडीमैन मेल के लिए, इसमें आपका 10वीं पास होना जरूरी है। मस्ट बी रीड इंग्लिश और हिंदी, यानी दोस्तों आप एयरपोर्ट के ऊपर जॉब करोगे तो दोस्तों आपको जो ऑर्डर देगा उसका ऑर्डर आपको एटलीस्ट समझ में आना जरूरी है, यानी थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना जरूरी है। अगर हिंदी पढ़ना लिखना आता है तो सबसे बढ़िया, इंग्लिश आता है तो और भी बढ़िया। आपको सैलरी इन मंथ में दी जाएगी 22,530 रुपये। आपको दोस्तों अपर एज सेम, इसमें एज 28 साल रखी गई है और अपर एज के अंतर्गत 3 साल और 5 साल की छूट भी दी गई है। आपको मैं नेचर ऑफ ड्यूटी समझा देता हूं, तो दोस्तों आपको काम करना क्या पड़ेगा, तो दोस्तों एयरपोर्ट के ऊपर आपको लोडिंग ऑफलोडिंग यानी अनलोडिंग काम करना पड़ेगा। जैसे एयरपोर्ट के ऊपर जो कैंडिडेट जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उनका सामान लोड किया जाता है एयरप्लेन के अंतर्गत, वही काम आपको करना है। जैसे ट्रॉलीज होती है एयरपोर्ट के ऊपर, जो कस्टमर होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ देते हैं, तो उनको ला के वापस आपको सेटअप करना होगा। अगर जिन्होंने दोस्तों ट्रेवल किया है एज एयरपोर्ट के अंतर्गत, तो उनको पता होगा कि वहाँ पे काम क्या करना होता है। अगर इसके में दोस्तों बोला गया है कि आपको जो छुट्टी है वो भी आपको दी जाएगी, सिक लीव भी आपको दिया जाएगा, इसके अंतर्गत फैसिलिटी सारी आपको मिलने वाली हैं। इसके अंतर्गत आपको रोटेशन बेस्ड आपको काम दिया जाएगा और आपके जो करियर है उसको प्रोग्रेस करने के लिए भी आपको सुविधा यहाँ पर दी जाएगी। अगर आपका दोस्तों यूटिलिटी एजेंट्स मेल के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें भी आपका 10वीं पास होना जरूरी है, और इसमें भी आपको लोकल यानी हिंदी या लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है। इसमें भी आपका कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए। सेम इसमें 22,530 रुपये पेमेंट दी जाएगी। इसमें भी आपका कोई अपर एज जो बताया था 28 साल और प्लस 3+5 साल रखा गया है। इसमें आपका काम क्या रहेगा उसमें आपको बताया गया कि आपको CHD जो कॉम्प्लेक्स होती हैं, जो वर्कशॉप होती हैं, कार्गो परमिशंस होती हैं, उनके अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा। अभी दोस्तों आपको काम तो इतना समझ में आ गया कि आपको काम क्या करना क्या पड़ेगा। इसके अलावा आपका सिलेक्शन किस प्रकार पर रहने वाला है, तो सबसे पहले हम हैंडीमैन के लिए जान लेते हैं, यूटिलिटी एजेंट के लिए। दोस्तों हैंडीमैन और यूटिलिटी एजेंट के लिए आपको दोस्तों सबसे पहले वेट लिफ्टिंग और रनिंग, थोड़ा बहुत आपका रनिंग करवाया जाएगा ताकि आप फिट हो या नहीं हो। उसके अलावा दोस्तों आपको जब वेट उठा के बताया जाएगा, दिखाया जाएगा कि आपको वेट ऐसे उठाना है, फिर आपसे वेट उठाया जाएगा, जैसे बैग उठाते हैं उसी प्रकार बैग आपसे उठवाए जाएंगे। अगर आप उन दोनों में पास कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए भेज दिया जाएगा।
इंटरव्यू में जैसे दोस्तों आप पास हो जाएंगे तो यानी आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा या आपका वर्चुअल इंटरव्यू भी हो सकता है, फोन से भी आपका इंटरव्यू हो जाएगा। इंटरव्यू दोस्तों आपका इंटरव्यू और फिजिकल दोनों एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा। क्वेश्चंस कैंडिडेट आर एडवाइज टू मेक देयर अरेंजमेंट इंक्लूडिंग लोडिंग एंड बोर्डिंग देयर ऑन कोस्ट इफ रिक्वायर्ड। इसके अलावा आपको अप्लाई किस प्रकार करना है, तो दोस्तों आपको ऑफलाइन फॉर्म भर के भेजना है, यानी भेजना कहीं नहीं दोस्तों, आपको साथ में लेके जाना है, वॉक इन इंटरव्यू में जाना है, डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आपको जब जाते हो तो 500 रुपये का DD बनवा के साथ में लेके जाना होगा, उसको भी मैं बता दूंगा कि आपको किस प्रकार फॉर्म भर के लेके जाना होता है। जिस प्रकार आपका दोस्तों बायोडाटा होता है उसी प्रकार का आपको उसको भर के जाना होता है। इसके अंतर्गत बोला गया है कि दोस्तों जो लिस्ट आई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, नॉट एज स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत। आप ये नोटिफिकेशन दोस्तों www.aiasl.in के ऊपर भी चेक कर सकते हो। अगर आपको फिर मेरे से चाहिए तो मैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे भी इसका नोटिफिकेशन भेज दूंगा। अभी दोस्तों हमने बात कर ली कि आपको दोस्तों फॉर्म में अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट मांगी गई है और क्या क्या आपको करना है। तो दोस्तों अभी आपको जो फॉर्मेट मिलेगा उसको फिल करके साथ में लेके जाना है, तो वो किस प्रकार भरना है उसकी भी जानकारी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। सबसे पहले जो फॉर्मेट मिलेगा उसके ऊपर दोस्तों लिखा है ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड नो एजेंसी इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व। कोई एजेंसी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई इंस्टीट्यूट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट भर्ती की जा रही है। इसके अंतर्गत एडवर्टाइजमेंट नंबर June 2024 है। आपको दोस्तों ऊपर वाला पोर्शन है उसके अंतर्गत आपको खाली छोड़ देना है। ये किसके लिए है, तो जो प्रेजेंटिंग जो ऑफिसर रहेगा उनके लिए रहने वाला है। आपको फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन से फॉर्म भरना शुरू करना है। सबसे पहले तो आपको राइट साइड के अंतर्गत चले आना है। यहाँ पे आपको दोस्तों फोटो चिपका देना है, आपकी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज की फोटो और उसके ऊपर आपके सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर अक्रॉस करने हैं दोस्तों, तिरछे करने हैं ताकि आधे फोटो पे आ जाए और आधे नीचे की ओर आ जाए। उसके बाद में पोजीशन अप्लाइड फॉर, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। जैसे मेरा अनुसार आप अगर हैंडीमैन के लिए फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पोस्ट अप्लाइड फॉर हैंडीमैन लिख दीजिएगा। उसके बाद में आगे आप मेल भी कर दीजिएगा। सिलेक्टेड स्टेशन ऑलरेडी आपको मुंबई में है। उसके बाद में एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन अगर आपने करवा रखा है रोजगार कार्यालय में पंजीयन तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो यहाँ पे आप कर देना है। उसके बाद में आपको पूछा गया है कि फुल नेम इन ब्लॉक लेटर, ब्लॉक लेटर के अंतर्गत आपका नाम लिखना है। आधार कार्ड में जो नाम है, मार्कशीट में जो नाम है सेम होना चाहिए, वही नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। अगर आपका फर्स्ट नेम मिडिल नेम और लास्ट नेम अलग अलग है तो आपको दोस्तों अलग अलग लिखना है, अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके बाद में आपके पिताजी का नाम लिखना है जो आपके आधार कार्ड में सेम होगा। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ लिखना है DD MM और YY के रूप में। प्लेस एंड स्टेट ऑफ बर्थ, आपका जहां जन्म हुआ उस स्टेट का आपको नाम लिखना है, प्लेस का भी नाम लिखना है, जिस प्रकार जैसे आपको लिखना है विलेज, पोस्ट ऑफिस, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में आपका स्टेट और आगे पिन कोड लगा देना है। उसके बाद में एड्रेस ऑफ करस्पोंडेंस, ये भी दोस्तों लगभग लोगों का सेम होता है तो आप अपने एड्रेस के अनुसार यहाँ पे भर देना है। पिन कोड और स्टेट ऑलरेडी आपको बता दिया। टेलीफोन नंबर अगर आपके पास रेजिडेंस में कोई एसटीडी कोड है तो लगा दीजिए। मोबाइल नंबर सबके पास होंगे, मोबाइल नंबर जरूर मेंशन कीजिए। ईमेल आईडी भी आपको इसमें मैंडेटरी डालनी है। उसके बाद में आप मेल हो या फीमेल हो उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देनी है, तो दोस्तों उसके आगे आपको टिक मार्क कर देना है। उसके बाद में आपको दोस्तों शादीशुदा हो या नहीं हो उसकी जानकारी मांगी जा रही है, तो अगर आप अनमेरिड हो तो जो अक्स का निशान हो उसके नीचे कर देना है, अगर मेरिड हो तो उसके नीचे आपको अक्स का निशान कर देना है। उसके बाद में नेशनलिटी के अंतर्गत इंडियन कर देना है, रिलीजन आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है वो लगा देना है। मदर टंग यानी आपको कौन सी लैंग्वेज मदर टंग है, जैसे मैं राजस्थान का हूँ तो मेरी मारवाड़ी हो जाएगी। उसके बाद में आपका पैन कार्ड नंबर डाल देना है, उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर होना चाहिए, और उसके बाद में आपको दोस्तों वेदर SC ST आप जिससे भी कास्ट से बिलोंग करते हो उसके आगे आपको मेंशन कर देना है। जैसे SST के आगे दोस्तों आपको अक्स का निशान करना है और उसके बाद सब कास्ट भी आपको लिख देनी है। उसके बाद में दोस्तों अक्स तो ऑलरेडी मैंने बता दिया कि अक्स आपको निशान कर देना है। उसके नीचे इसके अंतर्गत दोस्तों बोला गया है अगर आप कोई अक्स सर्विसमैन हो या नहीं हो ये जानकारी इसमें पूछी जा रही है, तो कोई अक्स सर्विसमैन है तो यस कर देगा, अगर कोई नहीं है तो नो कर देगा। उसके बाद में दोस्तों ये दोनों जानकारी आपको मिस कर देनी है। उसके बाद में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन,
यह पूछा जा रहा है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा धारी हो, जो भी आप, जैसे सिंपल अगर आपने 10वीं ही सिर्फ पास किया है तो आपको 10वीं के आगे इसमें पूछा गया है नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जैसे राजस्थान वालों का हो जाएगा RBSE, UPSC वालों का दोस्तों जैसे UP का हो जाएगा UPPSC होगा, इसके अलावा बिहार बोर्ड का अलग होता है, जो भी आपका बोर्ड का नाम है एजुकेशन वाले का वो आपको लिख देना है, डेट मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, कौन से साल में आपने पास किया वो लिखना है, ड्यूरेशन कितनी है, एक साल की होती है लगभग, उसका आपके अलावा परसेंटेज और डिवीजन आपके कितने बने वो जानकारी आपको लिखना है। सेम आप अगर आपने 12th किया तो 12th के बारे में भी यही जानकारी आपको लिखना होगा। उसके बाद में दोस्तों फ्लुएंसी इन लैंग्वेज, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है उसके बारे में पूछा जा रहा है, जैसे दोस्तों मेरे को हिंदी आती है और इंग्लिश आती है, इंग्लिश में मेरे को लिखना आता है, अगर रीड आता है यानी पढ़ना आता है तो उसका अक्स का निशान कर दूंगा, बोलना आता है स्पीक तो उसके अगर नहीं आता तो आपको खाली छोड़ देना, अगर आता है तो अक्स का निशान कर देना है, लिखना आता है राइट तो अक्स का निशान कर दूंगा, जैसे मेरे को बस थोड़ा बहुत पढ़ना आता है तो मैं रीड के आगे अक्स करूंगा, और आगे दोस्तों थोड़ा बहुत बोलना आता है उसके आगे अक्स कर दूंगा, क्योंकि राइट लिखना मेरे को नहीं आता तो मैं इसके आगे नील कर दूंगा। हिंदी के अगर आती है तो मेरे को हिंदी में तीनों में अक्स करूंगा, लोकल लैंग्वेज कोई आती है तो उसके आगे लिख दूंगा। उसके बाद में दोस्तों रिमार्क में भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जैसे रिमार्क्स में आपको लोकल पूछा गया है तो लोकल के आगे भी रिमार्क्स में आप मारवाड़ी लिख सकते हो, अगर आप राजस्थान के हो, गुजरात के हो तो गुजराती यहाँ पे लिख सकते हो, बंगाल के तो बंगाली रिमार्क्स में लिख देना है। उसके बाद में पूछा गया कि कोई वर्क एक्सपीरियंस आपको है, अगर आपने कहीं काम किया है एविएशन का कोई तो आपको लिख देना है, अदरवाइज मेरे को तो है नहीं तो मैं आप उसको खाली छोड़ दूंगा। उसके बाद में पर्टिकुलेशन फॉर ड्राइविंग लाइसेंस हेड, अगर आप दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पक्का आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मेंशन करना होगा, अगर आप दूसरी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उतना कोई मैंडेटरी नहीं है, भरना चाहो तो फिर आप भर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट जो AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड मुंबई के नाम पे आपको 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट कटाना है, या आप किसी भी बैंक से कटवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपको जिस भी बैंक से आपने कटवाया है 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट, उसमें लिखना है नेम एंड एड्रेस ऑफ इश्यूइंग बैंक एंड ब्रांच, तो यहाँ पे जैसे मैंने SBI से कटवाया तो SBI आगे आप ब्रांच का नाम लिख दीजिए। उसके बाद में डेट ऑफ इश्यू यानी आपने कब कटवाया था उसकी डेट डालना है, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, जो अब आप डिमांड कटवाते हो तो उसके ऊपर ड्राफ्ट नंबर भी रहेगा वो आपको यहाँ पे दर्ज करना है। उसके बाद में दोस्तों उसके अंतर्गत पूछा गया 19 नंबर कॉलम में रिलेटिव वर्किंग, अगर आपके कोई दोस्तों सहयोगी या कोई रिश्तेदार काम कर रहे हैं इसके अंतर्गत तो आपको रिलेटिव काम कर रहे हैं तो इसमें आपको जानकारी देना है कि कौन है, क्या काम कर रहा है ये और आपका उससे क्या रिश्ता है। उसके बाद में लास्ट में आपको डिक्लेरेशन मिलेगा कि मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वो एकदम सही है, मेरी नज़र में दी जा रही है, उसके पढ़ के आपको अच्छे से उसमें आपको प्लेस आपका डालना है, जो प्लेस है जैसे मेरा कुचामन सिटी है तो मैं कुचामन सिटी डाल दूंगा, डेट आप जिस डेट को फॉर्म फिलअप कर रहे हो या जा रहे हो उस डेट को डाल दीजिएगा, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट में आपका सिग्नेचर कर देना है। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया, फॉर्म आपका भर दिया, अभी आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की एक फाइल बना लेना है, वो फाइल में डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपीज लेना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे वो देख लीजिएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको साथ में लेना है, साथ ही साथ एक फोटोकॉपी का सेट भी आपको बना लेना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में आपको एप्लीकेशन फीस का जो दोस्तों आप डिमांड ड्राफ्ट कटवाओगे उसकी स्लिप पक्का लेके जाना होगा। उसके बाद में अगर आप दोस्तों स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट आपके पास होगा नहीं, मेरे जैसे कोई नहीं होता तो आप इसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में 10th की मार्कशीट यह पक्का लेके जाना है, 12th की मार्कशीट अगर आपके पास है तो वो लेके जाना है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो लेके जाओ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको कोई ITI वगैरह आपके पास है, कोई डिप्लोमा है तो वो लेके जाइए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप दोस्तों छूट चाहते हैं एज के अंतर्गत तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, अगर आप एक सर्विसमैन हो तो डिस्चार्ज बुक लेके जाना है, उसके अलावा कोई आपको एक्सपीरियंस है किसी भी दिक्कत यानी किसी भी फील्ड में तो आपको वो लेके जाना है। नेशनलिटी डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र वो आपको लेके जाना है, पैन कार्ड की कॉपी लेके जानी है, आधार कार्ड लेके जाना है, उसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट आपकी इनकम कितनी बन रही वो लेके जाना है, जेरोक्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस आगे और पीछे की दोनों के दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस की फोटोकॉपी आपको लेके जाना है, इसके अलावा आपके पास कोई पासपोर्ट है तो उसकी आपको फोटो लेके जाना है, इफ एनी कोई अगर है तो। इसके अलावा दोस्तों आपको पूरी जानकारी मैंने फील्ड में दे दी है, अगर आप दोस्तों चाहते हैं कि मैं हाई
फील्ड यानी आपको लोकेशन पर कैसे जाना है, जो इंटरव्यू वाली डेट पे उस दिन कैसे जाना है, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन कम से कम 50 प्लस कमेंट्स इस वीडियो पे होना चाहिए ताकि मेरे को सपोर्ट मिलेगा, तो मैं ऑलरेडी आपके लिए वो वीडियो भी बना दूंगा। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा जरूर, आपका सपोर्ट